हेलो व्यूअर्स, हम कर रहे हैं कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा वाला प्रश्न कर रहे हैं और यह आपकी नई बुक से है। तो प्रश्न इसका पहले वाला हमने कर लिया था और उसी प्रकार से यह प्रश्न भी होगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना था कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सिद्ध करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसके विपरीत मानकर हल करते हैं। तो इसको लिखेंगे, हल माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसे ए व बी दो सह अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इसके पहले वाला जो प्रश्न करा था उसी तरीके से हम इसको भी कर रहे हैं। तो हम यहां लिख देंगे 7√5 बराबर a बट्टा बी, जहां बी 0 के बराबर नहीं है। अब इसको हल कर लेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो बट्टा 1 लिख दिया है। अब b का गुणा 7√5 में करेंगे तो 7√5 गुणा बी बराबर a का a में करेंगे तो a ही आएगा। अब इसको और हल कर लेंगे तो 7√5 बराबर ए बट्टा बी, ये भी इस तरफ जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 गुना में इसको भी इस तरफ ले जा सकते हैं तो √5 बराबर हो जाएगा ए बट्टा 7, इधर चला गया तो ये बट्टे में आएगा तो ये हो जाएगा 7b। अब हमें पता है कि ए और बी तो परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ ए व बी पूर्णांक है तथा a बट्टा b एक परिमेय संख्या है, इसलिए a बट्टा 7b भी एक परिमेय संख्या है। क्योंकि a बटा बी परिमेय संख्या है इसलिए a बटा 7b भी एक परिमेय संख्या होगी, और ये जो ये परिमेय संख्या हो गई तो इसके बराबर की जो संख्या वह भी परिमेय संख्या होगी, मतलब √5 भी यहाँ पर परिमेय संख्या हो रही। तो हम यहाँ लिखेंगे, इसके अनुसार √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब √5 तो यहाँ परिमेय संख्या हो रही, लेकिन इसके पहले तो हमने सिद्ध करके बता दिया था कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, परंतु हम जानते हैं कि, परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है। क्योंकि यदि हम ऐसा मान लेते हैं, हमने जो कल्पना करी थी वह थी कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, और यदि ऐसा हम मान लेते हैं तो इसको हल करने पर हमें पता है कि √5 भी एक परिमेय संख्या सिद्ध हो रही है, लेकिन हम तो जानते हैं कि √5 तो एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ तो ये परिमेय सिद्ध हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ऊपर जो कल्पना करी थी वह त्रुटिपूर्ण है। तो हमने लिख दिया है कि अतः हमारी कल्पना त्रुटिपूर्ण है, अतः सिद्ध होता है कि, सिद्ध होता है कि
सात अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया है कि सात अंडर रूट पांच एक अपरिमेय संख्या बहुत ही आसान है और यह और इसके पहले वाला प्रश्न और इसके बाद का प्रश्न एक जैसे ही हल होंगे। बस इसको समझना आवश्यक है, बाकी ये पूरा आसानी से हो जाएगा। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।